दोस्तों, नई कृषि दर्शन में आपका स्वागत है। और आज मैं पहुंच चुका हूं रोहित सोहित डेयरी फार्म, जो देवरिया ज़िले में है। और इस गाय का जो है हम मिल्क रिकॉर्ड करेंगे। यह चार दांत की जो है गाय है और दूसरी बार जो है बच्चा दी है। आप देख सकते हैं इसका बच्चा है, ये बच्चा जो है बच्चिया है। और इस गाय का जो है हम मिल्क रिकॉर्ड करेंगे कि इस गाय ने जो है कितना दूध दी है। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल जो है काली गाय है ये, और इसका बच्चा भी जो है बिल्कुल काला ही है। और ये दूसरी बार जो है बच्चा दी है और चार दांत की ये गाय है। कितना दिन, दो महीना हुआ कि डेढ़ महीना बच्चा दिए हुए? डेढ़ महीना बच्चा दिए हुए हुआ। आप उस बच्चे को भी देख सकते हैं, मात्र जो है डेढ़ महीना हुआ। बाल्टी दिखा दीजिए भैया, आप देख सकते हैं बाल्टी जो है बिल्कुल खाली है। और अगर मेरा प्रयास अच्छा लगे तो चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि इस तरह की जानकारी आपको मिलती रहे। देख सकते हैं बाल्टी जो है भरने वाला है, दूसरी बाल्टी जो है मंगाई जा रही है। और ये वाला बाल्टी आप देख सकते हैं बिल्कुल जो है खाली है। यहाँ पर थोड़ा रख लीजिए भैया, यहाँ। पहली बाल्टी जो है यहाँ पर रखा गया है और दूसरी बाल्टी जो है वहाँ पर दूध निकाला जा रहा है। और आप देख सकते हैं ये दोनों बाल्टी भी जो है भर चुका है, तीसरी बाल्टी मंगाया गया है। और इस तरह हम देख रहे हैं कि यूपी के पशुपालक भी ब्रीडिंग पर का खास जो है ध्यान दे रहे हैं। और ये भी जो है किसी पशुपालक से कम नहीं है, दूसरे राज्यों के पशुपालक से कम नहीं है। और दूध को जो है हम देखेंगे कि दूध जो है कितना निकला है। ले चलिए भैया, मापिए। कितना है? आधा लीटर का है, एक लीटर का है। दूध निकालने के बाद दूध में कुछ झाग हो जाता है। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः,
सात आठ, थोड़ा सा कम था। आठ हुआ है, नौ, दस, ग्यारह, बारह, तेरह। जो कम था पहले, जो आठवां जो बार डाला गया था उसमें कम था, वो हो गया तेरह, यानी कि पूरे दिन का जो है 26 लीटर हुआ।